फ्रेंड्स, मैं सार्थक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम सीखेंगे HTML में फ्रेम बनाना। हमारी स्क्रीन को दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, हम स्क्रीन पे फ्रेम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं हमारा नोटपैड को। ये हमने खोल लिया हमारा नोटपैड। तो अब हम यहाँ पर इसमें करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग चालू। तो ये हो गया हमारा HTML। अगला होता है हमारा हेड। ये हो चुका है हमारा हेड भी, और हेड को हम यहीं पर बंद कर देते हैं। अब दोस्तों अगला हम क्या देते हैं, बॉडी। तो बॉडी नहीं भी लेते हैं हम, बॉडी को लिए बगैर भी हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी की जगह हमारा पहला टैग होता क्या है, फ्रेम सेट। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रेम बना रहे हैं तो फ्रेम सेट ट्रैक का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रेम सेट टैग। ठीक है दोस्तों, ये टैग हमने चालू कर दिया है। अब रो और कॉलम भी रहेगी, फ्रेम बन रही है तो रो तो रहेगी। तो पहला लिख लेते हैं हम फ्रेम सेट। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये था कैसा मैंने यहाँ पर कर दिया, कॉपी करना है इसको यहाँ से। ये कर दिया मैंने यहाँ पर कॉपी, और ये यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा आप ना करिए कृपया, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो रोज अब इक्वल टू लगाना है। अब कितनी 50, मान लीजिए मेरे को 50% चाहिए आधी स्क्रीन पे चाहिए। तो ये 50% कर दिया, 50% के दो रोज बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कॉलम भी चाहिए उसमें हमें। अब तो अगला हो जाएगा हमारा कॉल्स, फ्रेम कॉल। मैं इसको वापस कर लेता हूँ, मैं पूरा इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ ऐसा कैसा। तो इतना लिखना मेरा बच जाएगा। ये मेरा माउस से मैंने इसे ये कॉपी कर लिया है, ये मेरा कॉपी हो चुका है, कॉपी नहीं हुआ है। कुछ समस्या के कारण ये कॉपी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रो है इसकी जगह मेरे को चेंज करना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा। तो ये मैंने इसको चेंज कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे दोनों टेक हो गए। अब तो फ्रेम बनेगी तो फ्रेम के कुछ नाम भी होंगे, तो उसके लिए मैं टेक का यूज़ करूँगा अगले फ्रेम नेम। तो फ्रेम नेम, ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट नेम। और दूसरे फ्रेम का नाम दे दूंगा मैं दूसरी फ्रेम का नाम दे देता हूँ सेकंड फ्रेम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये दे दिए मैंने दोनों के नाम। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारी फ्रेम शीट सेट जो टेक था इसको हमें बंद करना पड़ेगा। फ्रेम सेट ये टेक बंद हो चुका है, अब हमारा HTML बंद हो जाएगा।
HTML भी हमने बंद कर दिया है। अभी से मैं सेव करता हूँ, तो सीट नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। डॉट HTML हमें पाथ देना है और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। तो ये सेव हो चुका है, तो ये ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक फ्रेम बन चुकी है।